नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। कांग्रेस ने फ्री का वादा किया है, मैं पैसे नहीं दूंगा। कर्नाटक में बिजली बिल भरने से इनकार कर रहे लोग। कर्नाटक में सरकार बदलते ही लोग बिजली का बिल देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने फ्री बिजली देने का वादा किया है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में बिजली का मीटर चेक करने गए बिजली विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया है। कर्मचारी ने बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी थी। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस द्वारा फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं बढ़ी। दरअसल गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड का एक कर्मचारी मंजूनाथ ने कुकनपल्ली निवासी चंद्रशेखर हिरेमत से बिजली का बिल भरने को कहा। हिरेमत पर पिछले 6 महीने का 9,999 रुपए बकाया है। मंजूनाथ के इतना कहते ही हिरेमत ने उन्होंने दोस्तों गाली दी और कई थप्पड़ उस पर दोस्तों जड़ दिए हैं। मंजूनाथ के सहयोगी ने आरोपी की इस हरकत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इसे देखकर आरोपी और बौखला गया। उसने मंजूनाथ के सहयोगी पर भी हमला करने की कोशिश की थी। बाद में दोनों ने हिरेमत के खिलाफ मुनीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। उधर दोस्तों महिलाओं ने बसों में किराया देने से इनकार कर दिया है और बसों में भी दोस्तों मारपीट शुरू हो गई है। यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही लोग ना तो बिजली के बिल भर रहे हैं, ना ही महिला दोस्तों किराया दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 5 गारंटियों का वादा किया था और ये 5 गारंटी इसमें शामिल हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही।